लियोनबर्ग से निकलते ही घर के बिल्कुल नज़दीक ही है, इतना नज़दीक भी नहीं जितना आपने सोच लिया है। तो जू पहुंच गए हैं और इंडिया वालों के लिए जू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग जो देखते होंगे शायद उनके लिए बड़ी होगा। तो हमारे पास तो टाइम की भरमार है, तो टाइम फोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है। तो घर से पौने घंटे के करीब का रास्ता है यहाँ से, तो जू मिल जाएगा। ये मोर भाई साहब जो हैं आज़ाद घूम रहे हैं आपके चारों तरफ। वैसे जू जा रहे हैं तो आप शायद बंदरों को ज़्यादा देखोगे, क्योंकि एक्टिविटी वही ज़्यादा करते हैं और इंटरटेनमेंट भी सबसे ज़्यादा वही करते हैं। तो आप घंटों उनके साथ खड़े हो सकते हो अगर पैसे गिनने की आदत नहीं है तो। तो ये हमारे पूर्वज खेल रहे हैं आगे पीछे, ये वाले से स्लो वाले हैं और ये एरिजोना बनाया हुआ है जो US में है। फील आपको यहाँ पे ऐसी आएगी कि आप उसी के अंदर हैं। इन्होंने पानी, झरना और जितने भी वहाँ के क्या होने चाहिए, पेड़ पौधे और जो भी छोटे छोटे सांप, मेंढक, जो भी उल्टे छोटे काम ये लोग कर सकते हैं वो सब इन्होंने इसमें डाले हुए हैं और पूरा फील दिया है कि आपको एरिजोना में घुमा रहे हैं। तो कुछ डॉलर खर्च करो तो आमने सामने देखो इनको, और हमें जैसा दिख रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरा मन यहाँ पे कम लग रहा है, आपको इंट्रीगेट और आउटसाइड और अंदर आपको बियर मिलेगी। तो जैसे ही टूर ख़त्म होएगा मेरा मन वहीं पे लगा हुआ है। खैर हमें फील आ रही है वही वाली एरिजोना वाली। तो जिनको इन चीज़ों का शौक है वो ज़रूर पैसे खर्च करके देखें इसे, ये शौक भी हर किसी को तो होता नहीं है। इसके लिए आपको ऊंचे दर्जे का पागलपन होना चाहिए आपके अंदर, तभी जाओगे आप, वरना आप नोट ही गिनते रहोगे घर बैठ के। इसमें एक छोटा सा मेंढक छोड़ा हुआ है, तो इनके पास तो कुछ काम है नहीं मेरी तरह। इन्होंने वहाँ से मेंढक ला के यहाँ पे रख दिया है, उसे देखने के लिए कितने हज़ार डॉलर लगाने पड़ते हैं आदमी को अगर इंडिया से जा रहा है। तो इसके अंदर आपको कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे, इतना बड़ा है ये और पूरा ग्रीन है। आपको ठंडे में ये गर्म लगेगा, गर्म में ठंडा लगेगा, इतनी ग्रीनरी है। तो अभी बाहर आ गए हैं, बाहर में ये भाई साहब ये सब ड्रामे चल रहे हैं इनके, ये पता नहीं आज़ाद हैं कैद किए हैं इनको, ये मुझे चिढ़ा रहा लग रहा है। आप लोग पैसे वाले हो, आप शायद इनको घर में ही कैद करके रख लोगे, इन्होंने यहाँ पे कैद किया हुआ है। ये यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, इन्हें कुछ काम नहीं है। आदमी को पैसे ना कमाने पड़े तो शायद सारा दिन यही काम करेगा वो। और इनको कुछ खाने को दिखा दो तो ये ऐसे एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अलाउड नहीं है इनको खाना खिलाना। ये भाई साहब तंदुरुस्त हो रखे हैं पूरे, खा खा के जर्मन में खाने पीने की कमी तो है नहीं। इनको कुछ दिन इंडिया छोड़ दें तो ये लगेंगे डाइटिंग पे है।
सबसे ज़्यादा मस्ती ये करते हैं, और ये तो कुछ अल्टीमेट तगड़े हैं। सुस्तराम है भाई साहब, ये मैं कौवा दिल्ली से लाया था, यहाँ पे छोड़ दिया है। जब वापस जाऊँगा तो इसे वापस ले जाऊँगा मैं, कुछ दिन ये भी जर्मन की हवा खा ले। एक और फैटी आ रहे हैं, इंडिया में तो लोग रोड पे लेके घूम रहे होते हैं हाथी को, इन्होंने यहाँ पे कैद किया हुआ है। ये कुछ बीमार लग रहा था मुझे, और कलरफुल बर्ड्स नज़र आ रही हैं अभी। मेरे कैमरे को तोड़ने के चक्कर में है, इसे लग रहा है कि ये आज़ाद आदमी कहाँ से आ गए हैं। चौथे ये मुझे मिले हैं जो ज़्यादा ही आज़ादी का मज़ा ले रहे हैं। और ये वैसे ज्योग्राफी वगैरह पे देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी पे, तो ये सब खेल रहे ही होते हैं हमेशा, तो यहाँ पे भी वही सब चल रहा है इनका। इनको कुछ काम धंधा मिल जाए तो शायद ये आराम से बैठ जाएंगे। खाने पीने की कुछ ज्यादा ही छूट है, से ग्रीन एरिया में आ गया है। तो अल्टीमेट ग्रीन किया हुआ इन्होंने, ये आपको ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ख़त्म हो जाएगा, सारा ही कवर किया हुआ है। आपसे बर्फ से किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, बारह महीने आपको ग्रीन ही मिलेगा। यहाँ पे इंडिया में जो लोग ज्यादा हैं वो यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कमी है। और फाइनली पहुंच गए अपने अड्डे पे, तो बीच में ब्रेक लेके फिर इधर आ गया। तो आप इंटरवल ले लें और घूमते रहें, जब थक जाएं फिर थोड़ा देर लेट जाएं, बैठ जाएं, कुछ फोटो सेशन कर लें। तो दिन के जो आपके 8-10 घंटे हुए होते हैं वो शायद ऐसे गुजर जाएं। आज के लिए गुड नाइट है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो पूरा यूरोप घुमाएंगे आपको, कोशिश करेंगे यूरोप का पूरा टूर करवाएं, और बने रहें, कुछ ना कुछ आपको दिखाते ही रहेंगे यूरोप का, कुछ सीक्रेट चीज़ें भी बताएंगे, ड्रग्स कैसे यहाँ पे चोरी से बिकता है दिखाते ही रहेंगे यूरोप का, कुछ सीक्रेट चीज़ें भी बताएंगे।
ड्रग्स कैसे यहाँ पे चोरी से बिकता है। तो फिर से गुड नाइट है, बाय।